अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट जॉब्स इन दुबई यूएई के फेसबुक पेज से मैं हाज़िर हूँ। फ्रेंड, आज भी हम सर्च करेंगे कि कौन कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं और क्या प्रोसेस है और क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं पेज की जानेब और सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट के ऑप्शन में, देन चेक करते हैं कि कौन कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं और पोस्ट पे अब हम चेक करते हैं। और आपको ये भी बताते चलूँ कि इस पे डेली बेसिस पे जॉब्स अपडेट होती हैं और सारी रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड होती हैं। तो जो आपका क्राइटेरिया है और आपका जिस पोजीशन पे आपका एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आप जॉब ज़रूर सर्च करा करें। और लाजमी है कि आप जो सबसे पहले जो वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि उस पर प्रोसेस बताया हुआ होता है कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है। सो फ्रेंड्स, और फिर आप अपने हिसाब से जॉब सर्च करें, देन उनकी रिक्वायरमेंट चेक कर कर आप जो है अपनी सीवी सेंड करें। सो फ्रेंड, ये सारी न्यू जॉब्स हैं। हाउस कीपिंग असिस्टेंट रिक्वायर, गेस्ट रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर इन दुबई, वेटर और वेटरेस रिक्वायर इन दुबई, रेस्टोरेंट जनरल मैनेजर रिक्वायर इन दुबई। तो फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। और आज हम इस जॉब की डिटेल्स मालूम करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसीजर है अप्लाई का। गेस्ट रिसेप्शनिस्ट रिक्वायर इन दुबई, रेप्यूटेबल हॉस्पिटेलिटी कंपनी इन दुबई रिक्रूट अ यंग एंड एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट टू वेलकम वीआईपी गेस्ट एंड सपोर्ट ब्रांच मैनेजर एज पर्सनल असिस्टेंट। अटेंडेंट्स शुड हैव एन आई फॉर डिटेल एंड सर्विस विद स्माइल। एज यू हैव मोस्ट इंट्रैक्शन विद कस्टमर, योर अपेयरेंस एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड, इनको जो है गेस्ट रिसेप्शनिस्ट की नीड है और ये एक रेप्यूटेबल हॉस्पिटेलिटी कंपनी है जो कि दुबई में है, और ये रिक्रूट करना चाह रही है ऐसे यंग एनर्जेटिक रिसेप्शनिस्ट को जो कि वेलकम कर सके इनकी वीआईपी गेस्ट को और सपोर्ट करे इनके मैनेजर को एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे। और जो भी अटेंडेंट हो, वो जो रिसेप्शन जो उनके गेस्ट से जो भी सर्विस प्रोवाइड करे विद स्माइल के साथ, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और आपके जो अपेयरेंस और स्टाइल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है वो थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा ऐसा होना चाहिए अट्रैक्टिव, क्योंकि आपको कस्टमर को डील करना है। और फ्रेंड्स, इनकी और भी फर्दर डिटेल्स हैं इस जॉब, ये फुल टाइम जॉब है और जो इसकी सैलरी है वो 2000 से 4000 तक है। वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी सैलरी डिसाइड होती है। और इसके अलावा जो बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंस और एनुअल पेड लीव है, और 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एजुकेशन है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सो फ्रेंड, अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस भी है और आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो है हम इस लिंक पे जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इस पेज पे और अब इस पेज हमें कुछ भी नहीं करना है। ये सारी वही डिटेल है जो कि प्रीवियस पेज पे थी। अब ये अप्लाई का बटन है, इस पे हम जाएंगे, सबसे पहले क्लिक करेंगे। देन ये हमसे ये प्रोसेस पूछता है कि आप किस अकाउंट से कंटिन्यू होना चाहते हैं। अगर आप फेसबुक से लॉगिन है ऑलरेडी, तो आप कंटिन्यू विथ फेसबुक कर देंगे, और अगर जीमेल से हैं तो कंटिन्यू विथ गूगल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हम जो हमारी जो है जीमेल ओपन है और हम कंटिन्यू कर दिया विद गूगल, और ये हमारा अकाउंट जो लिंक कर देगा, देन जो है हमारा जो प्रोसेस है ये ओपन हो जाएगा। और अब देखते हैं ये पेज रिफ्रेश होगा, देन ये देखें ये अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म आ गया है जो कि फिल करना है हमें लाजमी, और ये बायोडाटा फॉर्म है बेसिकली। तो सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ इस पर मैंशन करेंगे, देन जेंडर, फिर नेशनलिटी, फिर आपकी जो करंट लोकेशन है, इसी तरह आपका एजुकेशन जो लास्ट डिग्री होगी वो आप मेंशन करेंगे, और आपका इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन करेंगे, और अगर आप करंट डिप्लॉय हैं तो किधर कहाँ हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे, और अगर नहीं है तो अनएम्प्लॉय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है, जो आपकी डिजायर सैलरी है वो आप मेंशन कर सकते हैं इस पे, और नोटिस पीरियड अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कितने टाइम ड्यूरेशन में ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और वीज़ा स्टेटस आपका क्या है इस वक्त। और इसके बाद फिर आप जो है अपने बारे में एक शॉर्ट समरी और जो भी आपके स्किल्स हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। देन आपको फाइनली जो है अपलोड करनी है यहाँ से अपनी अपडेटेड सीवी विद पिक्चर,
ये लाजमी आपने अपलोड करनी है, क्योंकि इसी से ही जो है आपके एक्सपीरियंस का पता चलता है। सो फ्रेंड, जब ये आप कर देंगे तो ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, देन आपकी जो सीवी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट में चली जाएगी। देन उनका जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कंपनी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सो फ्रेंड, ये प्रोसेस था इस जॉब का, बहुत ही आसान तरीका था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बहुत, अल्लाह हाफिज़।